हेलो गाइज, आप देख रहे हैं क्लैश विद संदीप एंड आज की वीडियो में यहाँ पर मैं ये वाला ग्रेवयार्ड डेक यूज करूंगा एंड इसके साथ कुछ बैटल्स प्ले करूंगा। तो मैंने इस डेक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है एंड मैंने इस वीडियो में इस डेक के बारे में हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज मैं जितने भी बैटल्स प्ले करूँगा ये सब मैं लैडर में प्ले नहीं करूँगा, बिकॉज जो मेरे कार्ड्स के लेवल है वो थोड़े लो है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रैंडम टूर्नामेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है एंड यहाँ पर ये मैंने स्टार्ट कर दिया है मैच। एंड यहाँ पर ये जो हमारा मैच है ये हो चुका है स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर प्ले करूँगा हील स्पिरिट, जो कि अपोनेंट का टावर पे थोड़ा सा चिप डैमेज देंगे। एंड यहाँ पर ये हमको मिल चुका है चिप डैमेज, क्या बात है। तो इसके पास रॉयल घोस्ट है, ओके। एंड इसके पास यहाँ पर मैजिक आर्चर भी है, तो बारबेरियन बैरल काम करेगा यहाँ पर। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है इसके पास पैक का ब्रिज स्पैम डेक तो नहीं है। ओके, अब ये कंफर्म हो चुका है इसके पास पैक का ब्रिज स्पैम डेक है। इसका मतलब इसके पास पैक का ईविज एंड बैटल रैम भी होगा। ओके, तो इसने यहाँ पे पॉइजन यूज़ करके काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। अब यहाँ पर मैं ग्रेवयार्ड को काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकता हूँ। बस यहाँ पर एक और पेयर आने देते हैं बारबेरियंस का, एंड यहाँ पर आ चुका है। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अभी ग्रेवयार्ड एंड जो बारबेरियंस हैं ये बेसिकली मिनी टैंक का काम करेंगे यहाँ पर। एंड जो पॉइजन है वो यहाँ पर ईविज एंड रॉयल घोस्ट को लपेटे में ले लेगा ईजिली। एंड यहाँ पर ये ईविज हो चुका है डाउन एंड रॉयल घोस्ट पर भी अच्छा खासा डैमेज आया है। तो देखते हैं यहाँ पर ये बारबेरियंस को काउंटर करने के लिए कौन सा कार्ड प्ले करता है। ओके, मैजिक आर्चर प्ले किया इसने। तो यहाँ पर मैं मैजिक आर्चर को लपेटने के लिए यूज़ करूँगा नाइट का, एंड यहाँ पर मैं बारबेरियन बैरल भी यूज़ कर देता हूँ। ओके, इसने बैटल रैम प्ले कर दिया, यानी कि बारबेरियन हट का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्क आएगा एंड बारबेरियन हट ने अपना कमाल दिखा दिया, क्या बात है। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है जो बारबेरियन हट है इस पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज आएगा मैजिक आर्चर का। तो इस बार इसको एक एडवांटेज ये मिला है कि इसने अपना पॉइजन बेसिकली बचा लिया है ग्रेवयार्ड के लिए। तो चलिए देखते हैं ये पॉइजन यूज़ करता भी है कि नहीं। तो मेरे को लग रहा है ईविस फुल्ली काउंटर हो जाएगा। ओके, एक हिट आया है, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ ग्रेवयार्ड। अब मेरे को लग रहा है ये पॉइजन यूज़ करेगा, इसके पास पॉइजन के लिए एलिक्सर है एंड यहाँ पर इसने पॉइजन यूज़ कर दिया, बट तब भी कोई ज़्यादा एडवांटेज इसको नहीं मिलेगा। देखा, जैसा मैंने बोला, ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा पॉइजन का, तब भी इसके टावर पर थोड़ा सा डैमेज आया है। तो यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा मस्किटियर। अब मेरे को लग रहा है ये हैवी पुश कर सकता है एंड इसने यूज़ कर दिया है पैक का। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ हील स्पिरिट चिप डैमेज के लिए। ओके, चिप डैमेज नहीं मिला है हमें यहाँ पर। एंड यहाँ पर ओके, मेरे को लग रहा है पॉइजन का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ईविस को काउंटर करने के लिए। एंड यहाँ पर बारबेरियन बैरल प्लस स्केलेटन ड्रैगन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ बारबेरियन बैरल। तो इसने अगेन यहाँ पर पॉइजन यूज़ कर दिया, यानी कि मेरे को ग्रेवयार्ड का एडवांटेज मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा ग्रेवयार्ड का। तो देखते कौन सा कार्ड यहाँ पर ये डालता है। ओके, इसने पैक का डाल दिया, बट हमें इससे घंटा फर्क पड़ता है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ ग्रेवयार्ड एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पॉइजन, जो कि मैजिक आर्चर को लपेटे में लेगा। एंड यहाँ पर मेरे को लग रहा है बैरल यूज़ करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर पैक्का को काफ़ी ईजिली हम काउंटर कर लेंगे, क्योंकि मस्किटियर का काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ रहा है पैक्का पे। अब मेरे को लग रहा है यहाँ पर नाइट अगेन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नाइट नहीं, यहाँ पर गॉब्लिन हट यूज़ करना पड़ेगा। भाई सही में गॉब्लिन हट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है वैसे यहाँ पर। एंड यहाँ पर यूज़ कर दिया मैंने नाइट, एंड नाइट जो है ईविस पे काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। भाई ये सारे कार्ड डायरेक्टली ब्रिज के ऊपर ड्रॉप कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है वैसे यहाँ पर। अब मेरे को लग रहा है ग्रेवयार्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, एक बार रॉयल घोस्ट को काउंटर कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर यूज़ कर दूंगा ग्रेवयार्ड। ओके, तो यहाँ पर अब मैं यूज़ कर देता हूँ ग्रेवयार्ड। अब काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ग्रेवयार्ड यूज़ करने का। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ मस्किटियर, जो कि मस्किटियर नहीं यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर नाइट का यूज़ करेंगे। ओके, मस्किटियर यूज़ करता हूँ सबसे पहले, बिकॉज मैजिक आर्चर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। एंड यहाँ पर अब यूज़ करता हूँ मैं नाइट एंड पॉइजन अपना कमाल दिखाते हुए यहाँ पर, एंड बैरल के मदद से यहाँ पर मैं ईविस को फुल्ली काउंटर कर लूँगा। तो ये जो पूरा मैच है मेरे हाथ में काफ़ी ईजिली आ जाएगा। अगेन यूज़ करता हूँ मस्किटियर का मैजिक आर्चर को काउंटर करने के लिए। तो यहाँ पर ये हर बार पॉइजन यूज़ करके काफ़ी बड़ी गलती कर रहा है। अगेन यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ ग्रेवयार्ड एंड नाइट बेसिकली मिनी टैंक का यहाँ पर काम करेगा।
एंड मेरे को लग रहा है इसने मैच लीव कर दिया है। क्या बात है, ये बैटल मैंने काफ़ी ईजिली वॉन कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो डेक है ये सीज़न 14 का मोस्ट पॉपुलर या हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ग्रेवयार्ड डेक है। एंड जैसा कि मैंने बोला आपको, मैंने इस डेक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है एंड आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार वो वाला वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने क्लियरली काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है ग्रेवयार्ड के इस डेक के बारे में। तो यहाँ पर ये दूसरा मैच भी हमारा हो चुका है स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में मैं अपोनेंट का थोड़ा वेट करता हूँ। एक काम करते हैं, वेट ही करते हैं अपोनेंट का। यहाँ पर इसने बैरल यूज़ किया, कोई बात नहीं, मस्किटियर यूज़ कर देता हूँ। यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बैरल का एक हिट आ जाएगा, एक हिट आ चुका है बैरल का। चलिए तब भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसने एलेक्जर पंप का यूज़ कर दिया है, बट एलेक्जर पंप के ऊपर मैं पॉइजन का यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं पॉइजन का यूज़ अभी नहीं करूँगा। मैं बेसिकली पॉइजन का यूज़ तब करूँगा जब पंप के साइड में ये कोई कार्ड प्लेस करता है, तब मैं यहाँ पर एलेक्जर पंप के सामने ग्रेवयार्ड ने सोले पॉइजन डालूंगा। तो देखते हैं, ये कोई कार्ड प्ले करता है नहीं पंप के आसपास। एंड इसने प्ले कर दिया हंटर एंड यूज कर देते यहाँ पर पॉइजन। तो यहाँ पर अपने को पॉइजन का फुल वैल्यू मिलेगा हंटर के ऊपर, एंड हंटर यहाँ पर काफ़ी ईजिली पॉइजन की मदद से काउंटर हो जाएगा। तो इसके पास ओके बैंडिट था, यानी कि थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। ओके, इसके पास दो दो ब्रिथ स्पैम कार्ड है, तो यहाँ पर स्केलेटन ड्रैगन काफ़ी इजीली काउंटर कर लेंगे इसको। एंड जैसा मैंने बोला, काफ़ी इजीली काउंटर कर लिया। अगर हल्का सा भी देर हो जाता स्केलेटन ड्रैगन का प्लेसमेंट का, देन एडवांटेज नहीं मिल पाता। एंड ग्रेवयार्ड का थोड़ा सा डैमेज आएगा वैसे यहाँ पर अपोनेंट के राइट वाले टावर पे। तो मेरे को लग रहा है अपोनेंट ने हद से ज़्यादा यहाँ पर एलेक्जर यूज़ कर दिया है, एंड अब ये मतलब लेफ्ट वाले टावर को डिफेंड नहीं कर पाएगा। लेफ्ट वाले टावर पे भी डैमेज आया है, राइट वाले टावर पे भी डैमेज आया है, यानी कि मेरे को दोनों तरफ से एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा सा गेम यहाँ पर लैग हुआ, चले तब भी कोई बात नहीं। तो देखते ही कौन सा कहाँ डालता है। तो ओ भाई, इसने नाइट को काउंटर नहीं किया, इसने मतलब क्या बोले, इसने अटैक पे मेन फोकस किया। क्या बात है, नाइट का काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पर आ चुका है, क्या बात है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ पीछे की तरफ मस्किटियर, एंड यहाँ पर मैं अगेन ग्रेवयार्ड का यूज़ करूँगा। सबसे पहले थोड़ा चिप डैमेज लेते हैं, एंड यहाँ पर नाइट का यूज़ करना पड़ेगा मेरे को। एंड यहाँ पर यूज़ कर देते हैं बैरल, एंड अब यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ मैं नाइट। एंड यहाँ पर यूज़ कर देते हैं बारबेरियन हट, मेरे को लग रहा है बारबेरियन हट पर डैमेज आएगा, एंड बारबेरियन हट पर एक हिट आ चुका है। चलिए तब भी कोई बात नहीं। अब यूज़ करते हैं यहाँ पर ग्रेवयार्ड, भाई ग्रेवयार्ड का बहुत ज़्यादा डैमेज आएगा, हद से ज़्यादा डैमेज आएगा। मेरे को लग रहा है एक टाइप से इसका राइट वाला टावर भी डाउन हो सकता है कहीं ना कहीं। तो पॉइजन में यूज़ कर सकता हूँ, बट चलिए तब भी कोई बात नहीं। राइट वाले टावर पर बहुत ज़्यादा डैमेज आया है, एंड राइट वाला टावर यहाँ पर हो चुका है डाउन। क्या बात है, एक नंबर। तो यहाँ पर अभी 10 सेकेंड से भी काफ़ी कम टाइम बाकी है। अगेन यूज़ कर देता हूँ यहाँ पर बारबेरियन हट। भाई सही में यार, ये वाला जो डेक है काफ़ी ज़ोरदार डेक है, इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो चलिए आ जाते हैं दोबारा मेन मेन्यू में, एंड यहाँ पर ये वाला जो बैटल है काफ़ी ईजिली हमने वॉन कर लिया है, क्या बात है। तो थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर आ चुके हैं दोबारा से मेन मेन्यू में, क्या बात है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया एक और बैटल। तो ये होने वाला है मेरे आज के वीडियो का लास्ट बैटल। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है मैं स्टार्टिंग में यूज़ कर सकता हूँ नाइट एंड मस्किटियर, बट मेरे को लग रहा है नाइट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो थोड़ा वेट करते हैं हमारे सामने वाले अपोनेंट का, एंड ओके कॉबलिन केज इसने प्ले किया है, क्या बात है। तो यहाँ पर मैं चिप डैमेज वैसे लेना चाहता हूँ हील स्पिरिट का, बट अगर मैं अभी डालूंगा तो जो हील स्पिरिट है वो यहाँ पर इस पर चले जाएंगे, क्या बोलते हैं, गॉबलिन केज पे। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है ये ई गोलम नहीं तो गोलम डेक है। ओके कन्फर्म भाई गोलम डेक है, क्योंकि लाइटनिंग का कॉम्बो यहाँ पर ई नाइट विच के साथ, कन्फर्म भाई ये गोलम डेक है। थोड़ा संभल के मेरे को यहाँ पर खेलना पड़ेगा, बिकॉज गोलम डेक वाले क्या करते हैं ना, थोड़ा सा डैमेज लेके डायरेक्टली 3 क्राउन्स कर देते हैं। मतलब अपने टावर पर ये डैमेज लेंगे, बट ये डायरेक्टली 3 क्राउन करेंगे मेरे टावर पर। तो ग्रेवयार्ड मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। ओ यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से यहाँ पर, मेरे को पहले नाइट यूज़ करना था उसके बाद ग्रेवयार्ड यूज़ करना था। यहाँ पर मेरे को मिनी टैंक का एडवांटेज नहीं मिलेगा। चलिए तब भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये वाला मिस्टेक नहीं होगा।
बट तब भी मेरे को लग रहा है नाइट का काफी ज्यादा डैमेज आएगा मेरे को। ओके, नाइट का काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पर मिल रहा है अपोनेंट के टावर पे, क्या बात है। एंड भाई ये मेरा मैच कौन देख रहा है? दो लोग मेरा मैच देख रहे हैं भाई, बड़ा इमोट डाल रहे हैं ये लोग, इनको इमोट को म्यूट करना पड़ेगा। एंड मस्केटियर इसको इजीली काउंटर कर लेगी, क्या बात है। अब मेरे को लग रहा है ये गोलम वोलम प्ले ना कर दे, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मेरे को यहाँ पर। पॉइजन का एडवांटेज मिलेगा मेरे को यहाँ पर। ओके, गोलम प्ले कर दिया है बट पॉइजन का एडवांटेज मिला है मेरे को यहाँ पर। एंड मेरे को लग रहा है ना ये जो गोलम का डेथ डैमेज है ये मेरे टावर पे नहीं आएगा, बिकॉज जो बारबेरियन हट है ये इजीली काउंटर कर लेगा मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है। यूज़ कर देते हैं यहाँ पर स्केलेटन ड्रैगन। ओके, तो यहाँ पर इसका डेथ डैमेज नहीं आएगा, इसका डेथ डैमेज ही मेन था भाई, क्या बात है। बट मेरे को लग रहा है एक का डेथ डैमेज आएगा, बट इतना डेथ डैमेज अपने ले सकते हैं इसके टावर पे। इस बार मैंने मिस्टेक नहीं किया, इस बार मैंने सबसे पहले नाइट प्ले किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रेवयार्ड प्ले किया है, तो बीच में शायद थोड़ा मेरा गेम लैग हो गया था क्या यार। तो इसका राइट वाले टावर पे बहुत ज़्यादा डैमेज आया, क्या बात है। बैरल का एडवांटेज मेरे को यहाँ पर मिलेगा एंड पॉइजन में यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, एंड ये मैंने यूज़ कर दिया है पॉइजन। भाई थोड़ा थोड़ा गेम यहाँ पर लैग हो रहा है मेरे को लग रहा है, अगर ये एक और बार गोलम ओके इसने प्ले भी कर दिया है तो मेरे को लग रहा है मैं इस बार भी इसको इजीली काउंटर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को नाइट विच को लपेटे में लेना पड़ेगा। एंड स्केलेटन ड्रैगन ही नाइट विच को लपेटे में ले सकता है, एंड यहाँ पर बस मेरे को डिफेंड करना भाई, 15 सेकंड से भी काफ़ी कम टाइम बाकी है, डिफेंड पे मेन फोकस होगा। यूज़ कर देता हूँ यहाँ पर नाइट एंड यहाँ पर हील स्पिरिट, भाई डिफेंड करना है बस, 5 सेकंड बाकी है, क्या बात है। यूज़ कर देता हूँ पॉइजन एंड पॉइजन का एडवांटेज मिला बैट्स पे, एंड ये वाला बैटल भी मैंने कर लिया है काफ़ी ईजिली वन, क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ गया भाई लोग। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।